हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी लेवल 6 और 4 के लिए जो आपका सीबीएटी होना था उसकी जो डेट है वो आरआरबी ने अनाउंस कर दी है और आपको उसके लिए क्या क्या लेके जाना है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है। इसका जो CBT 2 हुआ था वो 10 मई 9 मई को हुआ था और इसके जो CBT 2 का आपका जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था वो 7 जून को पब्लिश कर दिया गया था। और अब CBAT शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट पे लेवल 4-6 CBT 80 टेंटेटिव शेड्यूल जो रखा गया है वो 30 जुलाई को रखा गया है, यानी कि एक महीने बाद आपका जो है CBT 2 के बाद जो आपका CBAT है वो रखा गया है जुलाई को। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि CBAT को पास करना इतना आसान नहीं होता। इसमें 5 या 6 सेक्शन होते हैं, उसमें आपको सभी में पास होना पड़ता है। सभी में 20-25 सवाल के करीब आते हैं, उसके अंदर आपको एवरेजली सब में पास होना होता है। अगर आप किसी एक में भी फेल हो जाते हैं तो आप पूरे CBAT में यानी कि साइको टेस्ट में कम्प्लीटली फेल माने जाएंगे। इसके अंदर जो बाकी के नोटिफिकेशंस हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर CBAT शुड प्रोड्यूस द विजन सर्टिफिकेट ऑफ इन ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि आपको अपना विजन सर्टिफिकेट लेके जाना है इस फॉर्मेट के अंदर। ये किसी गवर्नमेंट अस्पताल से या फिर जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको इसको भरवाना पड़ेगा, इसको फिल कराना पड़ेगा। यहाँ पे आपका अटेस्टेड फोटोग्राफ लगेगा एक, यहाँ पे आपके नाम वगैरह लिखे जाएंगे और आपकी आई साइट। अगर हम बात करते हैं आई साइट के बारे में तो इसके अंदर स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए A2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए और आपकी जो आई साइट है डिस्ट्रिक्ट विजन जो है वो 6x9 विदाउट ग्लासेज, यानी कि बिना चश्मा पहने आपको 6x9 का दिखना चाहिए। नियर विजन की अगर बात करते हैं तो बिना चश्मे के 0.6 आपका दोनों आँखों का होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होता है तो आप मेडिकली अनफिट हैं, इस ये पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। और रही बात कलर ब्लाइंडनेस की, तो कलर ब्लाइंडनेस जो आपको नहीं होना चाहिए, आपको कलर में फ़र्क पता होना चाहिए, हरा है, लाल है, नीला है, पीला है, इन सब के बारे में। तो इस नोटिस के अंदर सिर्फ इतना ही है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ NTPC का CBT 2 का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अभी तो आपका जो साइको टेस्ट है वो 30 जुलाई को होना है, तो पूरा एक महीना आपके पास इसके अंदर है। तो रिज़ल्ट आपका 10 जुलाई तक जो है CBT 2 का वो आ जाएगा। उसके बाद आपको 20 दिन के करीब मिलेंगे और जैसे ही ये 30 जुलाई जो दिया हुआ है साइको टेस्ट के लिए CBAT के लिए, उसके एक हफ्ते के अंदर ही आपका जो है टाइपिंग टेस्ट भी करा लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के अंदर मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के। टाइपिंग में आपको उंगलियां ही चलानी पड़ेंगी, इससे ज़्यादा कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप एक मिनट में 100 की स्पीड ले आएँ, एक मिनट में 140 की स्पीड ले आएँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइपिंग में आपकी उंगलियां ही काम करेंगी, आप उन्हीं पर फोकस रखिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। एवरेज जो कट ऑफ है मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ CBT 2 की, आपने अगर नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर सारी जो NTPC से रिलेटेड वीडियो हैं वो बनी हुई है, आप एक बार उनको देख लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।